हिसार में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान किसानों द्वारा विरोध किए जाने के पश्चात जहां किसान और पुलिस आमने सामने हो गए, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इसी के विरोध में किसानों ने आज प्रदेश में कई जगह जाम लगाया। कुरुक्षेत्र और शाहबाद में भी किसानों ने 2 घंटे का जाम लगाया। हिसार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे थे, लेकिन किसान वहां भारी संख्या में इकट्ठा हो गए और नारेबाजी शुरू कर दी थी। इसके बाद हंगामा बढ़ा तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। इसके बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने 2 घंटे के लिए पूरे प्रदेश में हाईवे बंद रखने की अपील जारी कर दी। हिसार में किसानों पर लाठीचार्ज के बाद जहां प्रदेश भर में किसानों ने नेशनल हाईवे जाम करने शुरू कर दिए, उसी कड़ी में शाहबाद में भी भारतीय किसान यूनियन और किसान मोर्चा ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया और किसान भारी संख्या में सरकार के विरोध में नारेबाजी करते दिखाई दिए और किसानों के नेता नेशनल हाईवे और अन्य शहरों में किसानों को संबोधित करते दिखाई दिए। हालांकि ये मात्र 2 घंटे के लिए लगाया गया जाम था, पर भीड़ काफी संख्या में होने के बावजूद भी पुलिस को इन लोगों को समझाने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। कुरुक्षेत्र में भी किसान नेता अक्षय हथीरा के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने अक्षय हथीरा के साथ जाम लगाया। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश बैंस ने कहा कि आज 2 घंटे का जाम था, वह पूरा हो गया है और कल वह ट्रैक्टर और ट्रॉलियों के साथ भारी संख्या में शाहबाद के पुलिस स्टेशन का घेराव करेंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे। सभी किसानों ने आपके सामने हमी भरी है और गांव से भारी संख्या में ट्रैक्टर भी आएंगे। जो कल के प्रोग्राम बनाए गए, जो रणनीति बनाई गई है, वो ये है कि जैसे कि किसान मोर्चा और हरियाणा का जो संदेश आया है गुरु नानक चडूनी जी की तरफ से, वो ये आया है कि कल सभी थानों का घेराव किया जाएगा हरियाणा के अंदर, क्योंकि आज जिस प्रकार कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ाई गई वहाँ पे हिसार में, उसी के रोज स्वरूप जो है कल थानों को घेराव किया जाएगा। उसमें जो है शाहबाद टीम जो है शहीद उधम सिंह ट्रस्ट पे 10 बजे इकट्ठी होगी और सारे किसान अपने ट्रैक्टर लेकर पहुँचेंगे, ट्रैक्टरों के साथ प्रदर्शन करते हुए कल थाने का घेराव किया जाएगा। देखिए, जो आज हिसार के अंदर पुलिस प्रशासन ने किसानों के ऊपर, 73 किसानों के ऊपर लाठियां व गोलियां चलाने का काम किया, जिसके चलते आज कुरुक्षेत्र के अंदर गुरनाम सिंह चडूनी के आदेश पर सांकेतिक रूप से 2 घंटे का जाम लगाया गया है और कल पुलिस प्रशासन का पिपली थाने का घेराव किया जाएगा। तो सभी किसान भाइयों से अपील करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सुबह 10 बजे पिपली पहुँचने का काम करें, उसके बाद पिपली थाने का घेराव किया। खबर नवा हरियाणा के लिए प्रदीप कुमार और डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।